दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राजधानी के राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उनकी ईडी कस्टडी आज खत्म हुई है और अब उन्हें तिहाड़ जेल में रखा जाएगा, यानी कि केजरीवाल को 15 अप्रैल तक दिल्ली के तिहाड़ जेल में ही रहना पड़ेगा। ऐसे में आम आदमी पार्टी लगातार दावा कर रही है कि अब दिल्ली की सरकार तो जेल से ही चलेगी, लेकिन यहाँ एक गौर करने वाली बात यह है कि इस चीज के लिए केजरीवाल ने कोर्ट से कोई खास मांग नहीं की है, ना ही केजरीवाल ने जेल में किसी मंत्री से मिलने की इजाजत मांगी है। लेकिन केजरीवाल ने कोर्ट से जिन चीजों की मांग की है वो बड़ी ही खास है। केजरीवाल ने कोर्ट से 3 किताबें मांगी हैं। क्या है वो 3 किताबें, आइए हम इस वीडियो में जानते हैं। केजरीवाल ने अपने वकीलों के जरिए कोर्ट में एक याचिका दायर की है जिसमें उन्होंने मांग की है कि उन्हें जेल में 3 किताबें ले जाने की मंजूरी दी जाए। इन किताबों में शामिल हैं भगवद गीता, रामायण और वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी की किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। इसके अलावा उन्होंने जेल में जरूरी दवाओं की भी मांग की है। साथ ही केजरीवाल ने कहा कि वे जेल में अपने धार्मिक लॉकेट को पहने रखना चाहते हैं, यानी कि केजरीवाल ने कोर्ट से जेल के अंदर उसे ले जाने की मंजूरी भी मांगी है। साथ ही स्वास्थ्य कारणों की वजह से केजरीवाल ने खास डाइट के लिए भी मांग की है। उन्होंने कोर्ट से जेल में मेज और कुर्सी के लिए भी इजाजत मांगी है। अगर हम हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड की बात करें तो इस किताब में 1980 से लेकर 2014 के बीच के 6 प्रधानमंत्रियों के अहम फैसलों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। नीरजा अपनी किताब में इस बात को डिकोड करती हैं कि आखिर एक प्रधानमंत्री कैसे सोचता है। सबसे ऊंचे राजनीतिक पद पर पहुंचने के बाद कोई व्यक्ति सत्ता संघर्ष, साजिशों और अपने दुश्मनों को कैसे मैनेज करता है। ये तो हुई केजरीवाल की मांगों की बात। खबरों की माने तो तिहाड़ जेल के जेल नंबर 2 में केजरीवाल रहने वाले हैं। इसी जेल में डिस्पेंसरी है। तिहाड़ की जेल नंबर 2, जेल नंबर 3, जेल नंबर 5 में सभी जेल सुपरिटेंडेंट को अलर्ट कर दिया गया है। बता दें कि केजरीवाल के बाकी साथी यानी कि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन भी तिहाड़ के इन्हीं जेलों में रह रहे हैं। तो वहीं हाल ही में गिरफ्तार हुई के कविता को महिला जेल नंबर 6 में रखा गया है। बता दें कि तिहाड़ जेल में कुल 9 जेल हैं जिनमें लगभग 12,000 कैदी कैद हैं। इस जेल में ईडी और सीबीआई से संबंधित कैदियों को रखा जाता है। आपको बता दें कि पेशी के बाद जाते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि पीएम जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। वहीं ईडी ने सुनवाई की शुरुआत में कोर्ट के सामने कहा कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और घुमा फिराकर जवाब भी दे रहे हैं। ईडी ने ये भी कहा कि वह अपना मोबाइल उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। इसके पहले ईडी ने एप्पल से केजरीवाल के आईफोन का एक्सेस भी मांगा था। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख भी किया है। उन्होंने तर्क दिया कि जांच एजेंसी ने उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर 2 अप्रैल तक जवाब मांगा है, जिसके खिलाफ सुनवाई 3 अप्रैल को फिर से शुरू होगी। कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें जनसत्ता।